सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आज जो है अपनी वीडियोस टॉपिक पर रहने वाली कि मैं जो है आपको अपना जो प्रेशर वॉशर है उसका रिव्यू देने वाला हूँ। अल्टीमेट प्रेशर वॉशर भाई, मज़ा आ गया। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी बिकॉज अपनी जो रेड्स है बलिनो है दोनों को वॉश करके दिखाऊंगा। खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। एंड भाई दूसरी चीज़, और मैं अपनी जो स्कूटी है उसकी रिस्टोरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि उस पर रैप कराऊंगा, मॉडिफिकेशन कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो भाई कमेंट में करके बता दीजिएगा, हाँ अभी वो सीरीज शुरू करूँ। हर्षण वाले चैनल पर वो सीरीज मिलेगी आपको, तो बस थोड़ा सजेशन दे दीजिएगा। तो भाई बिना ऐसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोज डाली हैं। तो गाइस, गाड़ी की हालत आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, गाड़ी की जो हालत है वो कुछ ऐसी है, ज़्यादा गंदी नहीं है बट हाँ गंदी है, टायर वायर जो हैं ख़राब हो रखे हैं बारिश की वजह से। तो एक पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको इस टाइप का, और उसके बाद जो है हम वॉशिंग पे तो चलेंगे, तो वॉशिंग के बाद भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई गाड़ी जो है कैसी धुल रही है, क्या कुछ है। एंड पूरा एक बार आप घूम के देख लीजिए, ठीक है। ऐसे अपनी जो है कुछ गाड़ी गंदी है, एंड यहाँ पर रेत वेत भी लगा है, सेम मैं उसको भी आज धोने वाला हूँ अपने रेट्स को भी। तो इसमें जो है गंदगी ज़्यादा लगी हुई है साइड वाइड में, तो ये ज़्यादा सही से पता चलेगा कि वही गाड़ी जो है कितनी गंदी है। तो इसका भी एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको, तो गाड़ी धुलने के बाद आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा भाई हाँ जो गाड़ी है कितनी गंदी है। और क्योंकि कई दिन हो गए इसको स्टार्ट हुए, तो आज इसको भी स्टार्ट कर लेंगे इसी बहाने। तो पहले जो है अपनी बलिनों को चढ़ाते हैं ऊपर, एंड अंदर ही धुल पाएगा क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट टंकी में डालूंगा उस पाइप को। एंड यूँ होगा कि मैं बकेट से नहीं धोने वाला, मैं टंकी में डायरेक्ट डालूंगा। बकेट से भी धो सकते हैं आप, बट फिर अपने यहाँ पे टंकी है तो सिस्टम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले उसके ऊपर अंदर चढ़ा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये सारा अपना बंडल टाइप है, तो मैं आपको अभी इसका कनेक्शन तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखा दिया था, एंड अगर इसमें भी दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब जो है कनेक्शन करता हूँ फटाफट, और उसके बाद ये अपनी फोम गन है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको, तो सारी जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। तो एक बार कनेक्शन कर लेता हूँ फटाफट, और उसके बाद हम लोग जो है इसको धोना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं। हमारे नीचे का जो है टैंक है, तो जैसे ही मैं चलाता हूँ तो ये जो है इसका डूब जाता है इससे, और देख सकते हैं कितना प्रेशर, दिखाऊं तो पहले जो है इनिशियल में बहुत धीरे आता है प्रेशर, अभी देख सकते हैं, बट थोड़ी देर बाद इतना तेज आ जाता है प्रेशर, ये देख सकते हैं एकदम जो है पूरा साफ कर देगा, ये देख सकते हो आप। तो वो सब छोड़ते हैं, अपने ये साफ नहीं करना, चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई लोग, इसमें आते हैं बेसिकली दो अपने जो ये मोड हैं, एक देख सकते हो सीधा जो है मारता है पूरा, ठीक है, एकदम पिन पॉइंटेड है, और ये कुछ ऐसा है। तो ये हम अपनी गाड़ी पे यूज़ नहीं करने वाले बिकॉज ये बहुत तेज है, एंड इससे गाड़ी के पेंट पे दिक्कत आ सकती है। हम चलते हैं सेकंड मोड की तरफ। मैं एक बार जो है कैमरे को इस पे लगा देता हूँ अपने ट्राईपॉड पे, फिर आपको दिख जाएगा। सो गाइस, मोड चेंज करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है, देखो अभी मैं दिखा दूँ आपको मोड क्या है। तो अभी जो मोड है वो ऐसा है, ठीक है, एकदम पिन पॉइंटेड है, एंड ये देख सकते हो अभी जो मोड है कुछ ऐसा है। अब हमें इसे चेंज करना है, तो हमें जो आगे का ये गन होगा, गन को रोटेट करना होगा थोड़ा सा, यहाँ से दिखाऊँ आपको पकड़ के एक बार। तो ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से, जितना ये वाइड खुला होगा उतना जो है काफ़ी तेज आएगा, मतलब पिन पॉइंटेड आएगा, और जितना आप गाइस इसको पतला करते रहेंगे यानी कि रोटेट करते रहेंगे उतना इसके आगे से सॉफ्टली निकलेगा, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है आपको यूज़ करना होगा, इससे जो है आपकी गाड़ी के पेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और वैसे भी जो है काफ़ी सही हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये जो है कितना वाइड हो जाएगा, अभी देखना। तो गाइस देख सकते हैं ये जो कितना वाइड हो चुका है, यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा होगा पूरा। तो इससे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आपकी गाड़ी को पूरा भिगो देना है इससे, ठीक है, ताकि जो पेंट है और इस पर रेत वेत है वो सारा साफ हो जाए, ठीक है। तो हम एक बार जो है गाड़ी को पूरा भिगो देते हैं, एंड मोस्टली तो इसी से भी साफ हो जाता है। देखो अगर आप पास लेके जाओगे ना, ये देख सकते हो, अगर आप इसी से पास लेके जाते हो तो उससे साफ हो जाता है, एंड जितना भी रेत था वो सारा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखिएगा, रेत है ना पास दिख रहा होगा, अब देखिएगा एक बार स्टार्ट हो जाए फिर आपको दिख जाएगा। तो मोस्टली जितना भी रेत होता है वो तो इसी से निकल जाएगा सिर्फ, ये देख सकते हो, तो रेत सारा इसी से निकल जाएगा। बट हमें एक बार सिर्फ अपनी गाड़ी को गीला करना है इससे।
सो गाइस अपनी गाड़ी स्टेप वन में हो चुकी है एकदम साफ, ठीक है। स्टेप टू में क्या करना होगा, हमें जो अपनी ये है क्या बोलते हैं इसको, फोम गन है, इसको फिल करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा अंदाजा बता देता हूँ कि भाई इस तक आप जो है आपका शैम्पू से फिल कर लीजिए, बट शैम्पू आपका याद रहे हाई क्वालिटी का होना चाहिए। बट उसके पास भी आप लोगों के भाई के पास एक जुगाड़ है, अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या हमेशा 3M के शैम्पू से ही फोम बन सकता है। तो अगर चाहते हो तो मैं बता दीजिएगा, पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि नहीं कौन से शैम्पूज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे फोम बन जाए। तो लेट्स, इसमें एक बार मैं शैम्पू भरता हूँ अभी पहले, और उसके बाद देखते हैं कि फोम कितना कामयाब है इसका, ठीक है। तो पहले शैम्पू भर लेते हैं एक बार। सो गाइस अपना जो शैम्पू अपने को इतना भरना होगा, यानी कि मैंने आपको बताया था पूरा, इतना एक अंदाजा ले सकते हैं आप। उसके बाद जो आपको यहाँ इस लेवल तक जो है इसमें पानी भरना होगा, अच्छे शेक करना होगा। शैम्पू थोड़ा मेरे से बाहर गिर चुका है, आप हाथ पे देख सकते हैं, गिल हो रखा है। तो पहले हम इसको इतना भरते हैं एक बार, और उसके बाद चलते हैं गाड़ी पे कि क्या फोम वॉश जो मैंने लोकल एक याद रहे उस क्लिनिक प्लस से नहीं हुआ, ठीक है। क्लिनिक प्लस से नहीं हुआ, कहीं आप सोच रहे क्लिनिक प्लस का कलर ये नहीं होता, ब्लू होता है भाई। तो याद रहे कि भाई ये है, इसमें देखते हैं एक बार हम लोग कि काम कुछ करता है या नहीं करता। तो पहले इसको भर लेते हैं एक बार। सो गाइस इतना जो है मैंने फिल कर लिया है, अब इसको एक बार मेरे को बस इतना ऐसे से शेक करना होगा। शेक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं ऊपर थोड़े से शैम्पू आ चुके हैं। अब हमें इसे गन में कनेक्ट करना होगा, और गन में कनेक्ट करना बहुत ही आसान है भाई। इसको जो है जो आपको क्या करना होगा, इसको बस इसमें डालना होगा, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, देखो अकेला हूँ भाई तो क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। तो भाई एक मिनट में लगा ही देता हूँ, ठीक है पहले एक बार। गाइस यहाँ पे जो है अपनी एकदम कनेक्ट हो चुकी है बढ़िया वाली, और अब है मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको क्या है रोटेट करनी होगी। अगर आपने शार्प पे कर रखा है तो फोम नहीं बनेगा, आपको एकदम हल्के पे करना होगा। तो लेट्स सी अभी किस मोड पे है ये, अपनी देख सकते हो कि फोम थोड़ा सा जो है निकला है अभी। सो गाइस देख सकते हो कि ये जो है भाई फोम पे अपना ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो इतना थिक फोम तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो है 3M का शैम्पू यूज़ नहीं करा है यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता दूँ। एंड देख सकते हो भाई ऐसी कुछ है, तो एक बार मैं थोड़ी सेटिंग करता हूँ, सेटिंग करने के बाद देखते हैं कि भाई फोम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो फोम जो है वो नहीं बन रहा है एंड सिर्फ ये झाग ही झाग से आ रहे हैं, असली फोम नहीं बन रहा जैसा अपने को चाहिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सेटिंग करके देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस गाड़ी को जो है थोड़ा पीछे सरका लिया, एंड अब आगे सरकाने के बाद जो है वापस से फोम स्टार्ट करते हैं। एंड आगे की तरफ से तो पूरा फोम हो ही चुका था, तो पीछे से भी मार दिया जाता है एक बार फोम। लिया था लगभग, लगा सकते हो इस तक लिया था, इस लेवल तक तो इतना खत्म हो चुका है। गाड़ी जो है थिक फोम नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हमने प्रोफेशनल जो अपना शैम्पू होता है वो यूज़ नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ एक जुगाड़ यूज़ करा था। डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर सक्सेसफुल होता है तो। अभी से जो अपनी गाड़ी को आपको 5-10 मिनट छोड़ना होगा, सो दैट जो रेत है वो नीचे आ जाए। मीन वेल अगर आप एक कपड़ा मारना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो अभी जो है गाड़ी को एक बार वेट करते हैं हम लोग कि गाड़ी पे से जो है रेत अपने आप उतर जाए, उसके बाद जो है हम इस पे सिंपल पानी का फोम वॉश मारेंगे, सॉरी फोम नहीं वॉश मारेंगे, सो दैट ये सारा रेत अपने आप उतर जाए, ठीक है। तो चलते हैं। सो गाइज आपको पहले इसको फोम गन का रिमूव करना होगा, बिकॉज अगर आप रिमूव नहीं करेंगे इसको तो जो है आपकी गाड़ी पे वापस से फोम चले जाएगा, ठीक है। तो भाई अब सिस्टम आ चुका है कि अपनी गाड़ी का जो है ऑलमोस्ट उतर चुका है नीचे, जो भी सारा अपना सर्फ का पानी था ना। हमें अब क्या करना होगा भाई, अपने को एक बार इसका थोड़ा सा चेंज कर लूँ मैं। देखो मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा ये खुला हुआ होगा उतना ज़्यादा इसमें प्रेशर निकलेगा, और जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना इसमें से कम प्रेशर आएगा। तो एक बार जो है हम लोग पहले इस पर मार के देखते हैं। एंड याद रहे कि आप जो है गाड़ी को छाया में खड़ी करके धोएं, बिकॉज अगर आप धूप में खड़ी करके धोएंगे तो सर्फ जो है जम सकता है, ठीक है, सर्फ या शैम्पू जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो भाई अभी जो है एक बार जितना भी शैम्पू है वो उतार के देखते हैं।
तो गाइस मैं एक बार पूरी जो गाड़ी है उस पर पानी मार लेता हूँ और उसके बाद जो अपना रिजल्ट आएगा वो दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये इसको भी रिमूव कर देगा, देख सकते हैं। एक बार प्रेशर आ जाए और उसके बाद दिखाता हूँ कितना तेज प्रेशर है इसका। तो गाइस देख सकते हैं, एंड अभी प्रेशर आया नहीं अच्छे से, एक मिनट अब आएगा, अभी देखिएगा। सो गाइस अगर आपकी गाड़ी पर टैटू वैटू भी कुछ लगा हो तो आप इसी से रिमूव कर सकते हैं। एनीवेज मैं जो है एक बार गाड़ी को धो लेता हूँ अभी पूरा, एंड फिर अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो देखते हैं, ठीक है। सो गाइस गाड़ी ऑलमोस्ट धुल चुकी है, फाइनलाइजिंग मैं एक बार फ्रंट से धो रहा हूँ बिकॉज ये पीछे से धुली थी अभी तक, एंड आपको रेनबो दिख रहा होगा शायद से, मुझे दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। अब फ्रंट से एक बार धो के, तो फ्रंट से एक बार धुल जाती है गाइस, उसके बाद ये देख सकते हो ये रहा, जितना भी सर्फ है दिख रहा है ना आपको, सो गाइस गाड़ी फाइनली धुल चुकी एकदम पूरी। अब हम वेट करेंगे कि 10-5 मिनट जो है ये गाड़ी सूख जाए, सो दैट इसका पानी जो है अपने आप सूख जाएगा, एंड उसके बाद हम इस पे माइक्रोफाइबर क्लोथ मारेंगे, माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है एक्स्ट्राज जो होंगे वो निकाल देंगे। फाइनल प्रोडक्ट जैसे ही आता है उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, अभी जो है गाड़ी का वेट करता हूँ, सूख जाए उसके बाद रेत जहाँ जाएगा वो पता चल जाएगा मेरे को, तो लेट्स वेट की। सो गाइस गाड़ी नंबर एक तो तैयार हो चुकी है, बाद में दिखाऊंगा आपको कि कैसी कुछ हुई है, पूरा एकदम मस्त। और सबसे बढ़िया बात है भाई, इतने कम पानी में हार्डली एक बकेट पानी जो है यूज़ हुआ होगा यहाँ पे, बैठ जा भाई नीचे बैठ जा, हार्डली एक बकेट पानी जो यूज़ हुआ होगा। अब जो अपनी रेड्स को धोना है, कई दिन हो गए भाई, और इसके नीचे अपने कई सारे दोस्त हो रहे हैं आपको दिख रहा होगा, तो उन सबको एक बार मैं हटाऊंगा और रेड्स को पहले ऊपर लेके चलते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर लगा के वापस इसको वॉश करते हैं। तो पहले अंदर से चाबी लेके आता हूं, आप रेत देख सकते हो भाई कितना रेत है जो गाड़ी में से निकला है, ठीक है। सो गाइस कई दिन बाद जो है गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एंड इसकी आज तक वो तो ठीक हो ही नहीं पाई है जो सेंटर लॉकिंग है, सो लेट्स सी स्टार्ट होती है नहीं। तो भाई स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं गाड़ी को स्टार्ट हुए, तो चलते हैं अंदर लगाते हैं, ठीक है, पहले फिर बात आगे करेंगे। सो गाइस अपनी रेट्स आ चुकी है अंदर फाइनली, एंड ये जी भर के गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है, इसका दिखाऊं मैं कितनी गंदी हो रही है। तो भाई यहाँ से देखो भाई, ये गोबर लगा हुआ है इधर यहाँ पे, एंड नीचे अलॉय व्हील्स की हालत देख सकते हो, बुरी हो रखी एकदम गोबर गोबर, तो पूरी गाड़ी गंदी हो रही है। सेम अपने साथ हम इसके साथ भी वही करेंगे, पहले जो है इसको एक बार ट्रीटमेंट देंगे सिंपल वाटर का, ट्रीटमेंट होने के बाद वाटर का हम इसको थोड़ी देर रखेंगे कि इसका रेत है जो अपने आप नीचे झड़ जाए उतर जाए, एंड फिर इस पर फोम वॉश मारेंगे, फोम के बाद 5 मिनट फिर रखेंगे इसको, एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे भाई, अपनी गाड़ियाँ दोनों कैसी हैं, रिव्यू आप लोग दीजिएगा कि आप लोगों को पसंद आया नहीं आया। मेरे को तो भाई मज़ा आ रहा है धोने में, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, और सबसे बात पानी देखो कितना कम यूज़ हो रहा है, एकदम पानी सूख रहा है साथ साथ, तो सोच सकते हैं कितना कम है, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो गाइस याद रहे अपने को क्या करना है, अपने को इसको एकदम बारीक रखना है, यहाँ पे दिख रहा है बारीक का मतलब है जो स्प्रे अपनी ऐसे टाइप आएगी, एक बार प्रेशर उठा ले मशीन, तो बारीक का मतलब अपनी ये जो वॉश है ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि भाई इसी से मारने से कितना रेत उतर जाएगा, तो बहुत रेत तो इसी से उतर रहा है, पर अपने को सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट देना है इसको पानी का,
सो गाइस यहाँ पे जो है अपना हमने फॉर्म वापस भर लिया है। अगेन इसको लगाएंगे कैसे, हम अकेले हैं तो जुगाड़ी करना पड़ेगा भाई। एंड ये लो भाई लग गया होगा, शायद लग चुका है, तो कई बार जिसका कोई नहीं उसका भगवान है यारो। खैर अब जो है हमें इस पे फोम मारना होगा, ठीक है। फोम के लिए क्या करना होगा, ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी कि फोम बनता है या नहीं। तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, सेटिंग्स करनी पड़ती है, मेन ये है, ठीक है। कई अभी देखो फोम नहीं आया इसमें, ठीक है। अब देखो फोम आ चुका है, तो अपनी जो सेटिंग है पहले एक नंबर की हो चुकी है यहाँ पे। एंड फोम देख सकते हो भाई, अब की बार थिक आ रहा है, पूरा बढ़िया आ रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हो कितना थिक फोम है, पेड़ पे आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे अपना जो है फोम पूरा लग चुका है, फ्रंट में चलते हैं एक बार। तो गाइस अब की बार फोम देख सकते हो आपकी खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने जो सेटिंग इस तरह से करी थी कि फोम थोड़ा थिक आए। तो लेट्स कि इसको वेट करते हैं हम लोग थोड़ी देर, लेट्स वेट कि ये एक बार सूख जाए, ड्राई हो जाए, एंड ये फोम जो है सारा रेत को एकदम कर दे पतला, एंड उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। इसमें मेरे को कपड़ा मारने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, वैसे तो मैं कपड़ा ना मारूं तो भी चलेगा, बट हाँ मेरे को अलॉय व्हील और ये सब साफ करने हैं, तो कपड़ा मारते हैं एक बार एंड उसके बाद हेड ओवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो अपना स्टेप है उस पर, ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया, और यहाँ पे सारा फोम एकदम खत्म हो चुका है बढ़िया से। तो इसको एक बार ड्राई हो जाने देते हैं अपने आप ही, एंड जब तक मैं चाय पी लेता हूँ थोड़ी। सो गाइस गाड़ी में जो है जो अपने आप उतर चुका है, मैं इतनी देर में चाय पी रहा था। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये जो है रेत ये गीला हो चुका है, मतलब उतरने लायक है। तो गाइस मे और मे नॉट वाला सीन है यहाँ पे, एक बार इसको हम उतार देते हैं जो अपना फोम गन है, एंड उसके बाद चेक करते हैं कि उतर रहा है नहीं। मेरे हिसाब से कपड़ा एक बार मारना पड़ेगा मेरे को, तो मैं एक बार वापस इसको थोड़ा गीला कर लेता हूँ। तो गाइस काफी हद तक जो रेत है वो अपने आप भी उतर रहा है, ये देख सकते हो, बट कपड़ा मारने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो है ये जमा हुआ रेत है एंड गीला रेत है। तो हम कपड़ा भी मार देंगे एक बार, जितना उतर रहा है अपने आप उतना उतार के देखते हैं। एंड अलॉय व्हील्स तो ऑलमोस्ट अपने आप ही साफ हो गए सारे, ये देख सकते हो आप कि अलॉय व्हील्स पे जितना भी रेत था। तो एक बार थोरली इस पे सारा मैं एक बार पानी तो मार ही देता हूँ, जितना सर्फ बर्फ है वो अपने आप उतर जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग इसमें जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करेंगे, एंड उससे जो है साफ करने की ट्राई करते हैं कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कितना जो है ये साफ होगा। तो गाइस ये कुछ बहुत गंदे जो हैं अपने गोबर के निशान हैं, तो इसके लिए हमें जो फोम गन होगी, इसको मैंने आपको बताया था जितना ये बंद रहेगा उतना इसमें सॉफ्ट निकलेगा। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ, तो अब ये एकदम पूरा प्रेशर से निकलेगा, देख सकते हो बीच में यहाँ से जो है प्रेशर निकलता है सारा। इसके बाद लेट्स सी कि ये कैसे उतारता है इसको, तो मुझे तो उम्मीद है कि काफ़ी सही उतार देगा।
तो गाइस देख सकते हो कि जितना भी गोबर वोबर थे सारे के सारे अपने उतर चुके हैं। एंड एंड फिर एकदम फाइनल टाइम कपड़ा मार के इस गाड़ी को बाहर निकालते हैं, आपको दिखाते हैं कि दोनों का क्या अपडेट है, क्या कैसी साफ हुई हैं अपने इस हथियार से। तो अब जो है मेरे को 5-10 मिनट लगेंगे एक बार कपड़ा मारने में, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ी जोर से मार दिया था एंड आप देख सकते हैं कि ये पेंट जो है उतर चुका है, क्योंकि ये पेंट मैंने बाहर से कराया था तो ये पेंट उतर चुका है। खैर ये तो वापस हो जाएगा, बम्पर का उतरता तो दिक्कत होती, बट बम्पर का पेंट होता है ओरिजिनल पेंट। एंड ये जो मैंने आफ्टर मार्केट कराया था तो थोड़ा सा उतर चुका है। खैर यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे अपने आप, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। बट हाँ ध्यान रहे कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेरे जैसे खुराफाती दिमाग मत बनिएगा, नहीं तो ये सब हो सकता है। ठीक है, सो गाइस धुल ये भी चुकी है पूरी एंड गर्मी भाई पूरी पीक पे हो रही यार। लाइक कर दो यार, एक भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भाई अब सीन ये है कि इसको मैं 5-10 मिनट एक बार जो है अपने आप सूखने दूंगा कि भाई पानी गिर जाए नीचे, और उसके बाद जो है हम इस पर फाइनल एक बार कपड़ा जो है वो मारेंगे। तो एक बार जो है इस पर एक बार सूख जाती है ये, उसके बाद हम इस पर कपड़ा मारते हैं। ठीक है, सो गाइस 3, 2, 1 एंड फाइनल मोमेंट ये रहा। तो भाई देख सकते हो अपनी जो गाड़ियां हैं कितनी ज़्यादा चमक चुकी हैं, अल्टीमेट चमक चुकी हैं। एंड भाई सही में बोलूँगा कि ना मैंने कोई पॉलिश मारी है इस पे, दोनों गाड़ियों पे कुछ नहीं करा, जस्ट मैंने मेरा जो जुगाड़ वाला फोम वॉश है वो मारा है। फोम वॉश मैं बताऊँगा इतना सस्ता पड़ेगा आपको वो, जिसकी वजह नहीं 900-1000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊँगा उसी तरीके से लेगा। और देख सकते हैं गाड़ी जो है आपकी कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है, दोनों गाड़ियाँ भाई जिस प्रोसेस से मैंने बताया उसी से करेगा। रेट्स में आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई जो गाड़ी है उसके अपने यहाँ पे वो पेंट उतर चुका है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मैंने बहुत तेज प्रेशर वॉशर इसमें मार दिया जिसकी वजह से जो है वो टूटना वाजिब था। बट खैर यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो दोनों गाड़ी हैं चमक चुके हैं एकदम। इनका वॉक अराउंड दे दूं आपको थोड़ा सा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, यहाँ से देख सकते हो एकदम अलॉय व्हील पे मैंने वो लेपा पोती नहीं करी, नहीं तो मैं काला तेल मार देता, टायर पॉलिश मार देता, बट मैं रॉ रखना चाहता था। तो हर जगह से देख सकते हो गाड़ी जो है एकदम अल्टीमेट साफ हो चुकी है। एंड अगर मैं अंदर से शीशे उसे न्यूज़पेपर साफ कर देता तो और ज्यादा चमकती, बट हमें बाहर का दिखाना था सिर्फ एंड एकदम रॉ रखना था, तो ऐसा कुछ है यहाँ से। एंड यहीं पर अपनी रेट्स की तरफ चलते हैं। तो भाई वो भी एकदम चमक चुकी है, मस्त हो रखी है अपनी जो गाड़ी है। एंड भाई थोड़ा सा चलाने के बाद सीन ही हो जाता है कि जो गाड़ी है उसके टायरों पे जो है रेत लगना शुरू हो जाता है। खैर वो सब छोड़ते हैं, रेट्स में वहाँ पे वो थोड़ा सा देखो बम्पर वाला उखड़ा हुआ पार्ट वो करवाएंगे। ठीक, पीछे से मैं आपको गाड़ियाँ दिखाऊं दोनों, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, पूरा सीन पता लग जाएगा कि गाड़ियाँ जो है कितनी बढ़िया चमक रही हैं पीछे से भी। एंड लिख के बताएगा भाई जी गाड़ी कैसी लग रही है, आज पूरी मेहनत से जो है आपके भाई ने गाड़ियाँ धोई हैं, वॉश करी हैं। एंड प्रेशर वॉशर भाई ज़बरदस्त है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जो है खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं अगर आपको खरीदना हो इनकेस। तो भाई पीछे से भी एकदम बढ़िया चमक रही है गाड़ी, आगे से भी चमक रही है, साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी गाड़ी की, हर तरीके से दिखा दिया। तो भाई कमेंट में लिख के बताएगा बढ़िया गाड़ी वॉश हुई है नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूँ कई भाई ऐसे कमेंट करेंगे भाई मेरी गाड़ी भी धो दे आके, तो कोई नहीं भाई मजाक कर लो आप लोग भी, आपको आके पूरा मजाक करने का। तो भाई पीछे से और चलते हैं थोड़ा, तो ऐसी है कुछ। ठीक है, तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछा जाए फाइनल रिव्यू उसका कि भाई कैसा लगा आपको प्रेशर वॉशर, तो भाई अल्टीमेट है, एक नंबर का है ये प्रेशर वॉशर और ज़बरदस्त है, मतलब दिल खुश हो गया मेरा उसको यूज़ करके, इतना ज़्यादा जो मुझे बढ़िया लगा। खैर भाई लोग आज की वीडियो से इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले बाय, धन्यवाद। सो भाई लोग जैसे कि आपने देखा होगा भाई कि अपनी जो गाड़ी है वो बहुत अल्टीमेट वॉश हुई, मज़ा आ गया सच्ची में, इतनी ज़बरदस्त वॉश हुई है। तो भाई कैसी लगी वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि भाई अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। दूसरी सजेशन भी दे दीजिएगा कि भाई आपको जो है अपनी स्कूटी की रिस्टोरेशन वीडियोज़ देखनी है नहीं देखनी। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।